दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिस आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। ये आपकी एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर। टोटल यहाँ पर आपकी दो पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने बीटेक किया है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग में, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी भी यहां पर आपकी रहने वाली है कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर। टोटल यहां पर आपकी 19 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग में, आपके पास 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है, अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके पास 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 60 साल रहने वाली है। बात करें आपके पे लेवल के बारे में, तो 3 साल एक्सपीरियंस वालों को सैलरी यहाँ पर 65,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। 6 ईयर वालों को यहाँ पर सैलरी 90,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। 10 ईयर एक्सपीरियंस वालों को सैलरी यहाँ पर 1,25,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। जॉब बेसिकली ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। इनिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपकी 5 साल के लिए रहने वाली है, बाकी से आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे एक्सटेंड किया जाएगा। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहेगा। फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 16 फरवरी से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 7 मार्च रहेगी। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, अगर आप UR, OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 500 रुपये देनी है। बाकी की किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीटेक किया है इन ब्रांचों में, आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।